हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। आज के डेट में तो आप लोगों ने देख ही लिया, निफ्टी 20,000 को टच कर दिया। ठीक है, निफ्टी 20,000 को टच कर दिया। और जो US में अगर आप देखोगे डाउजो, तो ये भी मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑल टाइम हाई पे पिछले 6 महीने के हाई पे आपको देखने को मिला 35,000 के बाजू में। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अभी तक नहीं चले हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र रखना चाहिए। तो वो कौन से सेक्टर है? तो भाई वो केमिकल सेक्टर है। केमिकल सेक्टर में इतना पावर होता है कि वो आपका पैसा कई बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और केमिकल किस चीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई इस सेक्टर पे मैं आपको बोलूँगा कि नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई जब केमिकल सेक्टर चलना स्टार्ट करेगा ना, तो बड़े बड़े सेक्टर को पीछे छोड़ देगा। ऐसा बहुत ताकतवर है ये सेक्टर, ऐसा है। IT सेक्टर से भी कई गुना ऊपर निकाल के आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो एक ऐसा स्टॉक जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, वो भी केमिकल सेक्टर में, जिस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट। आज की डेट में मिल तो रहा है आपको 1,985 रुपीज़ में ये, लेकिन ये कब चल जाएगा 2,600 रुपीज़ ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। नाक के नीचे से मल्टी वगैरह बन जाएगा और बड़ा रिटर्न निकाल के आपको दिखा देगा। ऐसा है दीपक नाइट्रेट। अभी पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो केवल 6% ही दौड़ा है, और ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है। पिछले 5 सालों से अगर आप देखोगे तो इसी लेवल के आजू बाजू जो है दीपक नाइट्रेट आता है, और इससे ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करता। ये एक बार नहीं कई बार, देखिए 1 और ये 2 और ये 3, इसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसका तो टारगेट भी आ चुका है भाई, इसको खरीदने के लिए भी बोल दिया गया है। देखते हैं, पता करते हैं टारगेट वगैरह, अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको पता चलेगा। एक मिनट देख लीजिए। तो मानना है कि दीपक नाइट्रेट, ये देखिए आज के डेट में खबर आया एकदम पूरा गर्मा गर्मा खबर, ये खबर देखने को मिला गरम गरम। दीपक नाइट्रेट को बोला जा रहा है कि ये 33% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकता है। टारगेट देख लीजिए 2,660 रुपीज़। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 1,990 रुपीज़ के बाजू में देखने को मिला। ऐसा है, आप चाहें तो पूरा रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पूरा रिपोर्ट इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। देख लीजिए, आपको चार्ट पैटर्न से लेकर पूरा मतलब इस कंपनी का बायोडाटा वगैरह बताया जा रहा है यहाँ पर, पूरा डिटेल। और केवल एक नहीं, सारे केमिकल स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए रेटिंग दिया गया है खरीदने का, सारे केमिकल स्टॉक्स को बोला गया है खरीदने के लिए। केवल कुछ ही ऐसे स्टॉक हैं जिनको होल्ड करने के लिए बोला गया, नहीं तो सभी को खरीदने के लिए बोला गया। और ये करेंट मार्केट प्राइस है और ये टारगेट प्राइस आपको बताया जा रहा है। आप चाहो तो और जूम करके अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा SRF को बोला जा रहा है कि भाई ये 2,200 से 3,400 हो जाएगा। UPL बोला जा रहा है कि 600 से लेकर 900, ये 1,000 रुपीज़ के बाजू में हो जाएगा। PI इंडस्ट्री बोला जा रहा है कि ये 3,600 से लेकर 3,800 रुपीज़ तक हो जाएगा। दीपक नाइट्रेट अब यहाँ पर देख सकते हो 1,900 से 2,660 रुपीज़ तक हो जाएगा। तो एक नहीं, क्लीन साइंस भी देख लीजिए, बोला जा रहा है 1,300 से लेकर 2,300 तक हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको खतरनाक रिटर्न निकाल के देने वाले हैं। नहीं, गलत, सारे स्टॉक ही आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के देने वाले हैं, सारे स्टॉक्स। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि रिसर्च करके रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि नाक के नीचे से मल्टी वगैरह निकल जाए। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिकल सेक्टर में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत। अभी केमिकल सेक्टर के कोई भी स्टॉक चला नहीं है, कोई भी नहीं चला। ये सारे जो है निफ्टी 100 स्टॉक हैं, निफ्टी 100 सभी देखिए 50-50% तक का रिटर्न निकाल के देना स्टार्ट कर दिया, सभी, एक नहीं सभी, ये निफ्टी 100 हैं। तो जब निफ्टी और ज़्यादा चलेगा ना, तो निफ्टी के बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 100, 200 या 300% तक का रिटर्न देते हैं, वो नज़र आ जाएगा। तो मैं तो बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। जो भी केमिकल स्टॉक है आपके पास, थोड़ा पेशेंस रखिए। आने वाले 6 महीने से लेकर आने वाले 1 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं मार्केट के लिए, और मार्केट में बहुत बड़ी आपको फिर तेज़ी भी देखने को मिल जाएगा। अगर ये टाइम पेशेंस नहीं रख पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा।